एवरीवन, तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैं साँच पास कैसे गया था। और 7 अक्टूबर है आज, और आप अगर जाना चाहते हैं साँच पास तो किस तरीके से जाएं। पहले तो बता दूं कि साँच पास जो है वो 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक पास है जो चंबल डिस्ट्रिक्ट को लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। तीसरा से बैरागढ़ आइए, बैरागढ़ के जाने के बाद आपको एक चौकी मिलेगी, चौकी पे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, वो पता करते हैं कि आप जा रहे हैं कि नहीं, मैंने वीडियो में बता दिया। फिर उसके बाद आप पर्सनल व्हीकल लेके अपना जा सकते हैं, और नहीं तो वहाँ से सुबह में बस भी जाती है और वो 1 बजे पहुँचाती है वहाँ पर। लेकिन अगर बस से जाएंगे तो फिर उधर से आने का साधन नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना व्हीकल लेके जाएं। उसके बाद जब वहाँ पे जाएं तो क्या क्या चीज़ लेके जाएं, वहाँ पे जाने से पहले तैयारी कर लें, अपना खाना रख लें, क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं मिलता। वहाँ से 12 किलोमीटर नीचे की तरफ पहले सतरूणी पड़ता है, तो वहाँ पे खाना मिलता है, वो भी मैगी और लंच वगैरह मिल सकता है आपको, जो खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो। मेडिसिन रख लें, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत तो वो मेडिसिन। ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, अगर किसी को ऑक्सीजन थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल ना जाए वहाँ पर। दूसरी बात, जल्दी आने की कोशिश करें, वहाँ से कोशिश करें कि आप 3-4 बजे 5-5 से नीचे की तरफ निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पे मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। जब मैंने वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताई हुई है, वहाँ पे एक देवी का मंदिर है, और जो चंबा से पांगी की तरफ जाते हैं लाहौल स्पीति की तरफ, वहाँ पे रुक के वो नमन करते हैं, वहाँ पे उनकी जैसी श्रद्धा है। मैं आज बताता हूँ, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरा हौसला अफजाई करें, और लो थोड़ा सा कमेंट करके बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो वो भी बता सकते हैं। इधर से जब मैं जा रहा था तो बाइक से गए थे हम लोग, तो क्या हुआ था कि 150cc की बाइक थी, वो इतनी अच्छी बाइक नहीं थी कि वहां पे पहुंच पाते, तो मैं वहां से लिफ्ट लेके गया। जब मैं वहां पे पहुंचा तो बड़ी प्रॉब्लम होती है नीचे आने के लिए, लेकिन किस्मत की बात यह कि मुझे वहां से कार मिल गई और उन लोगों ने मुझे लिफ्ट ले दी बैरागढ़ तक। फिर बैरागढ़ से मैं ये कमांडर जो कार होती है ब्लेयर, वो ये पकड़ा, और फिर मैं देवी कोटी आ गया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ये पत्तों को काट काट के यहाँ पे रोड बनाया गया है, इस तरफ एकदम खाई है और इस तरफ पत्थर है, तो इधर से एम्बुलेंस भी आती है, कभी पत्थर गिरने लगते हैं, स्लाइडिंग होने लगती है पत्थरों की, तो यहाँ पे JCB खड़ी होती है, प्राइवेट JCB, गवर्नमेंट की तरफ से ठेका दिया हुआ होता है, वो साफ करते रहते हैं इसको, और बहुत डेंजर रोड है, देख सकते हैं आप, ये इधर खाई है और इधर एकदम कंजेस्टेड रोड होते हैं। लेखराज, ये कौन सी जगह है? कालाबन। तो यहाँ से कितनी दूर है साँच पास? साँच पास यहाँ से 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर रास्ते में कोई पॉइंट पड़ता है? पानी नहीं, पॉइंट कोई पॉइंट सतरुंडी। सतरुंडी जी, सतरुंडी पे कुछ खाने पीने का मिलता है? मिल जाती है। अच्छा, होटल है वहाँ। तुम्हारा नाम क्या है? दुनीचंद। तो तुम लोग यहाँ पे कोई काम करते हैं? काम कर किस चीज़ का? गेट टूट लग रहे हैं, रास्ता खराब है ना, रास्ता संभालने के लिए। अच्छा, डेली बेसिस पे काम करते हो, रात में इधर ही रुकते हो? तो कोई जानवर वगैरह तो नहीं आता? आता है, भालू आता है। भालू आता है? फिर यहाँ पे नहीं आता है, यहीं आसपास रहता है भालू। आसपास देखा है तुमने? आपको बहुत कहीं रास्ते से जा रहा था। अच्छा, इधर से निकल के जा रहा था इस रास्ते से ना भालू? अच्छा, वो अटैक वगैरह तो नहीं करता? नहीं करता, डर जाता है। अच्छा, ज़्यादा लोग होते होंगे ना इस वजह से। तो ये साँच पास का रास्ता है, आगे सतरुंडी पड़ेगी, फिर सतरुंडी से वो जो टॉप दिखाई दे रहा है ना उधर, उधर है साँच पास, है ना? जब ऊपर से बर्फ़ पिघलती है तो इस टाइप के झरने बहुत सारे बन जाते हैं इधर ना, और ये नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और वो बर्फ़ पिघली हुई है, वो बर्फ़ पड़ी हुई है इधर। अभी यहाँ से 7-8 किलोमीटर होगा, और मैं आया हुआ हूँ इधर, अभी जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो मैं अभी आप पहुँचा हूँ सतरुंडी, और ये ढाबा है, साँच पास पे कोई खाने पीने का कुछ सामान नहीं होता, मैं इसमें लिफ्ट लेके आया हूँ, पर ये है साँच पास, यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है वो साँच पास है, इधर से होके जाता है, ये देख सकते हैं आप नीचे को, मैं इसमें लिफ्ट लेके आया, आप
कैफे में चाय वगैरह पीऊँगा क्योंकि नाश्ता बहुत टाइट करके आया था मैं, और अभी जाऊँगा मैं इधर ऊपर की तरफ। फिर अभी कोई सवारी नहीं है और मैं चल पड़ा हूँ अकेला ही ऊपर की तरफ, देखता हूँ कितना ऊपर जा सकता हूँ, सात पाँच पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। निकल पड़ा हूँ मैं अभी यहाँ से, कुछ बाइकर्स गए थे लेकिन उनके पास सामान बहुत ज़्यादा था तो मैं लिफ्ट वगैरह नहीं ले सका था। अभी देखता हूँ, अभी मुझे बस एक ही गाना याद आ रहा है, अकेला हूँ तो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी राहों में, वो मौसम हंसी सुहाने लिए। ओह ये देखो आदमी आदमी की जात मस्त है एकदम। अभी मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुका हूँ और देख सकते हैं आप, मैं इधर से आया हूँ, इधर बैरागढ़ है और उसके पहाड़ी के पार जो है वो देवी कोठी है। और जुकाम हो गई है क्योंकि काफ़ी ठंड है। अभी एक कार आती हुई दिखाई दे रही है, शायद वो मुझे लिफ्ट दे दे तो बड़ा अच्छा होगा ताकि मैं सांच पास चला जाऊँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि सांच पास कैसा है। मेरे होंठ बहुत ड्राई हो गए, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इधर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। अभी मैं 3700 मीटर ऊंचाई पर हूँ समुद्र तल से, और बाकी आगे की अपडेट देता रहूँगा मैं आपको। स्लाइडिंग होती है स्टोन स्लाइडिंग, तो ये इधर सब नीचे की तरफ आ जाता है, पत्थर वगैरह पड़े हुए सब इधर। और यहाँ पर 4100 मीटर एल्टीट्यूड है, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्लेशियर होते हैं, जब मैं 2017 में इधर आया था तो इधर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर थे, और अभी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इधर अभी ग्लेशियर सब पिघल गए और इधर की तरफ ये कुछ थोड़ी बहुत बर्फ बची हुई है इधर की तरफ, और बाकी तो आप देख ही सकते हो। कट कर दो अभी, स्टार्ट कर दो। जब मैं 2017 में आया था तो इधर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर थे, ये पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था, और इस बार तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं है लेकिन काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और ठंडी है इधर। अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 के बीच में होगा, और इधर ये सब पूरा भरा हुआ था बर्फ़ से। ये जो रास्ता है इधर वाला, ये जो रास्ता है वो पांगी को लीड करता है, लाहौल स्पीति दिल्ली को लीड करता है। 7 अक्टूबर है आज 2020, और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कूल है, अभी बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं। ये देख सकते
5:30 की बहुत तेज हवाएं चल रही है, आपको आवाज आ रही होगी। और ये वैली है इधर, और ये बर्फ वगैरह अभी भी नीचे की तरफ पड़ी हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ नहीं दिखती 2017 में या 2018 में, क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई तो ठंड नहीं हुई, लेकिन अधिकतर इधर बर्फ जम जाती है। तो इधर काफी श्रद्धालु आते हैं, ये मंदिर है। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? जसोर से, चंबा की साइड से ना, नूरपुर साइड से। तो ये देवी माता के मंदिर पे आए आप? लाहौल स्पीति से आ रहे हैं जी। तो ये सांच पास है, और देख ये देखो हम लोग इसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं। कमांडर है, कमांडर के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। बहुत खतरनाक रास्ता है और मुझे काफ़ी डर लग रहा है इसके ऊपर बैठ के, लेकिन ये काफ़ी एडवेंचरस भी है और मस्त है एकदम। बहुत डेंजर है ये, अंदर सब सवारी भरी हुई है तो ऊपर बैठ के जा रहे हैं। अभी मैं देवी कोठी जा रहा हूँ वापस, सांच पास से आके।